नमस्कार, मैं हूं रानी सिंह और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। झारखंड एक छोटा सा प्रदेश है लेकिन बहुत खूबसूरत, जहां 24 जिले हैं। जैसा कि मैंने आपको हमारे पहले वीडियो में गुमला जिले के बारे में बताया था, कुछ रहस्यमयी और रोचक बातें, ठीक उसी तरह आज हम बात करेंगे खूंटी जिले की, जो कि झारखंड का ही एक प्रसिद्ध और सुंदर स्थल है, जहां से जुड़ी है कई रोचक और मजेदार बातें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर कैसे पड़ा खूंटी जिले का नाम। मजुंडा लोगों की परंपरा के मुताबिक छोटा नागपुर महाराजा के राजा मदरा मुंडा के बेटे सेतिया के 8 बेटे थे। मद्रास मुंडा के 8 महानगरों में से रांची सबसे बड़ा था और दक्षिण में उन्होंने एक खूंटी कटी गांव की स्थापना की, जिसे बाद में खूंटी नाम दिया गया। जब मुंडा पहली बार खूंटी और उसके पड़ोस गए तो उन्होंने असुरस और तिरकिस के कब्जे में देश का हिस्सा पाया। जब मुंडा अपने देश के साथ शारीरिक रूप से दिखाई देते थे तो असुरस और तिरकिस बहुत डरे हुए थे। यह कहा जाता है कि उस समय की मुंडा महिलाएं चमकदार गहने पहनने के लिए इस्तेमाल करती थी। तब मुंडास को सूरज में चमकते अपने कई गहने के साथ दृष्टिकोण से देखा गया था। असुरस पश्चिम की ओर बसिया, परगना और नागरा गए। ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान महाभारत में पौराणिक चरित्र कुंती से अपना नाम प्राप्त किया गया। कुंती और उसके बेटों पांडव ने इस 14 वर्ष के दौरान इस जगह में कुछ समय बिताया था। इस प्राचीन सिद्धांत ने खूंटी को प्रसिद्धि और महिमा में लाया। फिर बाद में खूंटी संघर्ष और विद्रोह का पर्याय बन गया, क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से 1875 में प्रसिद्ध बिरसा आंदोलन के दौरान गतिविधि का केंद्र था, जहां जिला 4 प्रशासनिक अनुमंडल में विभाजित किया गया था, जैसे सदर, गुमला, खूंटी और सिमडेगा। झारखंड के क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ब्रिटिशों के खिलाफ लंबे समय से किए गए संघर्ष के लिए यह जगह इतिहास में दर्ज की गई। खूंटी झारखंड क्षेत्र के लाख उत्पादकों के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थान पर भारत की कुछ लाखों का एक बड़ा हिस्सा बनाया गया है। LAC एक प्राकृतिक बहुलक है, जिसे केरिरिया लक्का नामक एक छोटी कीट द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह कीट विशेष रूप से पेड़ों, कुसुम और बियर जैसे पेड़ों की कई प्रजातियों की शूटिंग पर उगाई जाती है। खुली क्षेत्र में कई आदिवासी लोगों के लिए लाखों की खेती का यह कृषि पेशा आय का माध्यमिक स्रोत है। आइए खूंटी जिला की संस्कृति और विरासत पे एक नज़र डालते हैं। खूंटी जिला मुख्य रूप से मुंडा जनजातियों का प्रभुत्व है, जिनका लंबे समय तक शोषण किया जाता रहा है और उन्हें अलग रहने के लिए मजबूर किया गया है। खूंटी जिला शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिले में एक है और यहाँ की प्रमुख निवासी मुंडा जनजाति है, जिन्हें शिक्षा प्रणाली से लंबे समय तक बाहर रखा गया, इसलिए उनमें साक्षरता की निम्न दर ज़्यादा है। खूंटी जिले में जनजातीय आबादी की संख्या बहुत अधिक है। ST और SC की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और वे अभी भी अपने मूल अधिकारों और सम्मानित जीवन के लिए संघर्ष कर ही रहे हैं। उन्हें विकास की मुख्य धारा और प्रतिष्ठित जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से बाहर रखा गया है, जो उनकी समस्याओं को जारी रखते हैं और उन्हें बहिष्कार के लिए कई प्रयासों के बावजूद वे इस चीज़ को जारी कर रहे हैं। मुंडा का इतिहास और उत्पत्ति अनुमानित है, क्योंकि जिस क्षेत्र में वे कब्जा कर रहे थे वह हाल ही में भारतीय सभ्यता के महान केंद्रों तक पहुंचने और दूर दराज के लिए मुश्किल था। यह पहाड़ी, जंगली और कृषि के लिए अपेक्षाकृत गरीब है। ऐसा माना जाता है कि मुंडा एक बार व्यापक रूप से वितरित किए गए थे, फिर भी वे पूरी तरह से अलग नहीं हुए हैं। अधिकांश मुंडा लोग कृषिविद हैं। अपनी भाषाओं के साथ मुंडा ने अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने का प्रयास किया है। हालांकि भारत सरकार समाज के प्रति उनके आत्मसमर्पण को लेकर प्रोत्साहित करती है, कृषिविदों का निपटारा कर रहे हैं। वे अपनी अर्थव्यवस्था को पूरक बनाने के लिए वन से छोटे उत्पादों को भी एकत्र कर रहे हैं, शिकार, मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि। वे कृषक और अकुशल मजदूरों के रूप में भी काम करते हैं। मुंडा एक अंतर्विवाही जनजाति है। जनजाति के भीतर बड़ी संख्या में असाधारण समूह हैं।
निमक मुंडा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड दौर से संबंधित है और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की मुंडारी भाषा है। वे हिंदी, सादरी और अन्य स्थानीय बोलियां भी बोलते हैं। तो ये थी कुछ मजेदार और रोचक बातें खूंटी जिले के बारे में। आगे भी झारखंड की तमाम जिलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।